Everyone, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English. Today I am going to explain you about should. Should का मतलब होता है चाहिए. सभी के साथ आप इसमें यूज कर सकते हैं. जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ आप सेंटेंस बना सकते हैं. हिंदी में आपको चाहिए का आवाज जब आएगा, जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं या आप अपने बारे में बोल रहे हैं. शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म चाहिए. आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मुझे जल्दी उठना चाहिए. चाहिए का आवाज आएगा, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना. सुबह शाम दोपहर के पहले मैंने बताया आपको इन द का यूज करें आप. इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून. यू शुड वर्क हार्ड. तुम्हें मेहनत करना चाहिए. वी शुड टॉक इन इंग्लिश. हमें इंग्लिश में बात करना चाहिए. दे शुड कम एट टाइम. उन्हें समय पर आना चाहिए. दे मतलब होता है उन्हें या वे. ही शुड हेल्प अदर्स. उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए. शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म. शी शुड कम इन पार्टी. उसे पार्टी में आना चाहिए. रवि शुड लर्न इंग्लिश. रवि को इंग्लिश सीखना चाहिए. इंडिया शुड विन टुडेज मैच. इंडिया को आज का मैच जीतना चाहिए. बहुत ज्यादा यूज होता है इसका डेली लाइफ में. बहुत सिंपल चैप्टर है. चाहिए का जब भी आप आवाज आ रहा है उसमें शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए. इट्स वेरी सिंपल. सभी सब्जेक्ट के साथ में आएगा. इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है. इंडिया शुड विन टुडेज मैच. इंडिया को आज का मैच जीतना चाहिए. एवरीबडी शुड सेव वाटर. एवरीबडी मतलब सभी को पानी बचाना चाहिए. Everyone should support Clean India program. सभी को Clean India program का support करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए. चाहिएगा जब भी आवाज आए should plus first form लगा दीजिए. Negative sentence बहुत आसान है. इसमें should के बाद not लगा दीजिए. आपका negative sentence बन जाएगा. करना चाहिए should, मना करना है तो should not. I should not hurt others. मुझे दूसरों को hurt नहीं करना चाहिए. You should not blame others. तुम्हें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए. We should not waste water. हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए. They should not fight. उन्हें लड़ना नहीं चाहिए. He should not disturb others. उसे दूसरों को disturb नहीं करना चाहिए. लड़की की बात करें, लड़की के लिए she लगा दीजिए. She should not get up late. उसे देर से नहीं उठना चाहिए. Ravi should not come in party. रवि को पार्टी में नहीं आना चाहिए. India should not lose today's match. इंडिया को आज का मैच नहीं हारना चाहिए. People should not throw garbage in open. लोगों को खुले में कचरा नहीं फेंकना चाहिए. Garbage means कचरा जो होता है उसे. People should not break traffic rules. लोगों को traffic के जो rules हैं उसे नहीं तोड़ना चाहिए. Should not plus first form आप use कर सकते हैं. Question बनाना है. It's also very simple. Should में ही question बनेगा. Should में ही आपको जवाब देना है. Should you play? क्या तुम्हें खेलना चाहिए? Yes, I should play. I should not play. क्वेश्चन भी शुड में, आंसर भी आपको शुड में देना. सभी के साथ आप शुड लगा दीजिए. आंसर भी बहुत सिंपल है. इसमें सभी में आपको चाहिए का आवाज आएगा. हिंदी सभी में चाहिए का आवाज सुनाई देगा आपको. शुड ही वर्क हार्ड. क्या उसे मेहनत करना चाहिए? यस ही शुड वर्क हार्ड. नो ही शुड नॉट वर्क हार्ड. लड़की है तो शी लगा दीजिए. वी और दे के लिए भी बना सकते हैं आप. शुड वी स्पीक इंग्लिश. क्या हमें इंग्लिश बोलना चाहिए? यस वी शुड स्पीक इंग्लिश. नो वी शुड नॉट स्पीक इंग्लिश. Should India win today? क्या भारत को आज जीतना चाहिए? Yes, India should win today. हाँ जीतना चाहिए. No, India should not win. India को नहीं जीतना चाहिए. क्वेश्चन भी है, हाँ का जवाब भी है, ना का जवाब भी. आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं. दिस इज वेरी सिंपल. चाहिए का आवाज आ रहा है, शुड लगाना है और कुछ भी नहीं करना है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. इसे डेली लाइफ में यूज जरूर करें. जब भी चाहिए बोलना हो तो शुड लगाकर फर्स्ट फॉर्म लगा दें. आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो. प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. बड़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.